हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको आंबे की सब्जी बनानी बताऊंगी। अभी ये आधे किलो आम है, इनको हम पहले सबसे पहले छील लेते हैं। इस तरीके से मसाले की जरूरत पड़ेगी। ये दो बड़े चम्मच सौंफ है, कुछ लहसुन की कलियां है। ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीसने के लिए सामान तैयार किया है। ये हम छौंका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी सौंफ और धनिया और राई है, ये थोड़ी दरदरी पहले से ही पीस के रखी हुई है मैंने। थोड़ी एक दो चुटकी हींग है और एक चम्मच लाल मिर्च है, एक चम्मच हल्दी है और एक चम्मच नमक है स्वाद अनुसार। इसमें हमने आधे किलो आंबे में कम से कम 100 ग्राम गुड़ लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, कम मीठा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। देखो मैंने ये आम भी छील लिए हैं और अपना मसाला भी तैयार कर लिया है मैंने। इसको मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसका सौंफ का जो फ्लेवर है अच्छे से आना चाहिए। मैं अब सब्जी छौंकूंगी इसको और इनको मैं काट लूँगी। इनकी जो गुठलियाँ हैं इनको मैं निकाल लूँगी, सबको निकाल के अलग रख लूँगी। ये देखो सब मैंने आम भी हैं काट लिए हैं, इनकी सबकी गुठली अंदर से निकाल ली है। निकालने के बाद अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। ये देखो मैंने गैस चला दी है, चलाने के बाद अब इसको कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम एक चमचा तेल डाल देंगे। ये देखो इसमें मैंने एक चमचा तेल डाला था, ये अब गर्म हो चुका है। और सरसों का तेल हमें ज़्यादा तेज ही गर्म करना है जिससे कि धुआं निकल के इसकी महक निकल जाए। उसके बाद हमें जो ये सौंफ का और धनिए का साथ में मिश्रण था, इसमें थोड़ी राई थी, इसको हम डाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, प्याज डाल देंगे फिर हम। देखो फ्रेंड, प्याज भुन चुकी है बिल्कुल अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा जो हमने हींग लिया था दो चुटकी उसको डाल देंगे। हल्का सा हींग, ज़्यादा नहीं भुनना, जल जाता है। उसके बाद जो हमने दरदरा मसाला पीसा था इसको हम इसमें छोड़ देंगे क्योंकि इसमें लहसुन है तो अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद जो हमने हल्दी मिर्च और नमक लिया था इसको हम साथ में सारा डाल देंगे। इन सबको अच्छे से भून जाएगा जब, हम अपनी आंबे डाल देंगे इसमें ही। इनको भी थोड़ा सा इनके साथ चला लेंगे। हम इसमें 3 कटोरी पानी डाल देंगे, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप ग्रेवी कितनी पसंद करते हो, ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हो या पतली। उसके बाद जो हमने साथ में गुड़ लिया था उसको भी हम साथ में डाल देंगे, ये साथ में घुल भी जाएगा और ये आंबियों के साथ अंदर तक मिठास पहुंच जाएगी। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो। इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूंगी।
दोस्तों हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए बनने के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब देखो फ्रेंड कितनी अच्छी है, बनके तैयार है सब्जी बिल्कुल। आमियों का सीजन है, घर में इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।